सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग F12 मोबाइल है और आप उसमें स्मार्ट व्यू के ऑप्शंस को इनेबल करना चाहते हो, यानी कि स्मार्ट व्यू के ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो कि ये क्या ऑप्शन होता है और क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि स्मार्ट व्यू के ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आप अपने नोटिफिकेशन पैनल में जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में ही स्मार्ट व्यू का। देख पा रहे हो स्मार्ट व्यू का आप जब ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्ट व्यू का ऑप्शन किस काम आता है। तो दोस्तों, इसका काम जो है ये है कि आपकी ये जो मोबाइल है, इसको आपके स्मार्ट टीवी या फिर स्मार्ट कंप्यूटर, यानी कि स्मार्ट टीवी या फिर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में दिखाएगा, यानी कि जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन में जो कुछ भी चल रहा है उसको मिरर कर देगा आपके स्मार्ट टीवी या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कंप्यूटर या फिर अपने स्मार्ट टीवी में देखना चाहते हैं, तो इसके जरिए आप बड़ी आसान तरीके से इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कैसे कनेक्ट किया जाता है अपने स्मार्ट टीवी या कंप्यूटर से, तो आप जो है मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में कि कैसे आप इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।